मैं गाऊंगी फिर आप गाना, ठीक है जी? हमें मंजूर है, जी हमें मंजूर है। क्या बात है यार, आप कुछ कहें क्योंकि मैं बाद में कहूंगी। आपकी आंखें नम हो गई हैं। दीदी की गाने जब भी सुनती हूँ मेरा बहुत और इस छोटी सी बच्ची ने इतना इतना सेंसिटिव है गाना लेकर, कोई सोच नहीं सकता कि इस उम्र में ऐसे गाने को इतना निभा पाएगी। वो बहुत अच्छा निभाया है और कोई कोई जगह तो बहुत ही प्यारी ली। जितना तुम खुलोगी उतना तुम्हारा ये डर जाएगा और तुम और कॉन्फिडेंटली गाओगी। या गॉड ब्लेस। आप वो चीज कर रहे हो जो सीखने के बाद भी लोग नहीं कर पाते, बहुत सारे लोग। मैं ये कहूंगा कि बिना सीखे अगर तुमने ये हाल किया है तुम्हें तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होना चाहिए। बेटा डर भगा दो। यू आर माइंड ब्लोइंग, यू आर हिस्टोरिक, यू आर फैंटास्टिक, यू आर सुपर्ब, यू आर अमेजिंग, यू आर ओ जग से चुप चुप चाप सी बैठी है कब से, बोल दे कुछ तो कसम है ये किसकी। Samaira is selected. इधर सर्टिफिकेट पाकर समायरा ने बढ़ाया अपने कॉन्फिडेंस का दायरा। दानिश भाई को पूछना चाहता हूँ कि दानिश भाई, जी भाई, जयपुर गए हो मेरे पीछे? बिल्कुल। दिल्ली गए हो? दिल्ली भी गए हो। गए हो? गया। चंडीगढ़ गए हो? चंडीगढ़ भी गए हो। कोलकाता गए हो? ऑफ कोर्स कोलकाता तो जाऊंगा ही ना। अच्छा, कोलकाता से 218 किलोमीटर एक छोटा सा गांव है नौदिया। बाप रे बाप, कहाँ कहाँ गए हैं आपको पापा? वहीं से लेकर आया हूँ मैं। वहां से मैं एक बहुत ही कमाल का एक टैलेंट लेकर आया हूँ मैं, जिसका नाम है प्रांजल। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा उसके बारे में, बस मैं उसको बुलाना चाहता हूँ, आप प्लीज उनको एक बार सुने। प्रांजल। wow, तो मैं वेलकम करता हूँ प्रांजल। अमाए भाताई लिरे, अमाए दुबाई लिरे, कभी अर्भुधी खूल नाई रे,
Amazing. ये जो इंस्ट्रूमेंट है आपके हाथ में, इसको क्या कहते हैं? इसका नाम है दोतारा. दोतारा? हाँ. तो प्रांजल, ये दोतारा जो है, हाँ. ये ज्यादातर बाउल की थीम में यूज करते हैं ना? हाँ, हाँ. तो आप गाते हो? यहाँ पे एक आश्रम है, तो वहाँ पर मैं गाना सीखा, बाउल गाना सीखा. कतो ही रंगो देखी दुनियाए, ओ भाई. एक दिन मेरा एक बहुत फेवरेट साइकिल गुम हो गया था, तो उसे ढूंढते ढूंढते मैं मेरे गांव से निकल गया था. तो इस गांव में आकर मैं एक फकीर अंकल को देखा, फिर उनको पूछा कि अंकल मेरा साइकिल देखा आप? तो वो अंकल बोला कि साइकिल गुम हो गया तो दुख मत करो, ये लो ये दोतारा पकड़ो, और मुझे ये दोतारा दिया था. यदि थके नसीबे अपनी अपनी असीबे. कमाल की बात है कि कमाल है, कमाल. तुम्हारी साइकिल खो गई, उसी साइकिल को ढूंढने की वजह से तुम्हें ये दो तारा मिल गया. तो जिंदगी में यहाँ पर एक सीख बनती है कि भाई कोई चीज़ अगर आपकी बहुत प्यारी हो और वो खो जाए तो गम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले ने शायद उससे अच्छी चीज़ लिखी होती है आपके नसीब. Oh,
यानी कि आगे जाकर बच्चे जो फिल्म दिखाने वाले हैं उसका ट्रेलर वो बचपन में ही दिखा देते हैं। ये देखिए छोटे रणवीर सिंह। क्या बात है। और ये हमारे छोटे से सचिन आई लव। और ये हमारे छोटे अंबानी। क्या बात है, लगे रहो बेटा लगे रहो। और ये हमारी छोटी सी क्यूटी पाई माधुरी। और ये हमारी छोटी कांजीलाल। ये याद दिलाने के लिए कि इस परिवार में एक ही कांजीलाल नहीं है। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। नमस्ते बेटी, क्या नाम है तुम्हारा? शांतनी कांजीलाल। कांजीलाल? हाँ। तो तुमको कौन लेके आया है? पवनदीप सर। अरे सारे कांजीलाल को पवन कैसे ढूंढ लेता है यार? दिल की जो बातें हैं, बातें जो दिल की हैं, दिल में रखना पिया। सर मैं गया था ढूंढने इनको, और जब मैंने इनको देखा तो ये हमारी कैप्टन अरुणिता जैसी लग रही थी। लब तो ना खोलूं मैं, खोलूं ना लब तो पर आंखों से सब कह दिया। एकदम स्वीट सी, भोली भाली, बहुत अच्छा गाती हैं। और जैसे अरुणिता अपने हम उम्र के दोस्त नहीं बनाती हैं ज़्यादा, तो इनके भी बहुत कम दोस्त हैं। क्यों क्यों? अरुणिता के जैसे कम बात करती हैं और ज़्यादा दोस्त भी नहीं है, और घर पे ही रहती है और मम्मी पापा के साथ जुड़े ही रहते हैं वो। सुबह की धूप पे इसी की दस्तखत है, इसी की रोशनी उड़ी जो हर तरफ है। ओ शांत, अरुणिताओ खूब शांत, कथा कम बोले, दुजने दुजने खूब भालो गान करे। मेरा और अरुणिता दीदी के बीच में कोई रिलेशन है, पर हम दोनों के सरनेम भी सेम है, वो भी कांजीलाल है, मैं भी कांजीलाल हूँ, लेकिन हम दोनों में कोई रिलेशन नहीं। सुबह की धूप पे इसी की दस्तक। मैं घर पे रहती हूँ तो मैं या फिर मैं गाना गाती हूँ, म्यूजिक करती हूँ, या फिर मैं मम्मी के साथ रहती हूँ, मम्मी के साथ काम करती हूँ, या फिर मम्मी का ख्याल रखती हूँ। पानी है ये आग है, ये खुद लिखी किताब है, प्यार की खुराक सी है। बेटा जब अरुणिता आई थी तो हम उन्हें प्यार से कहते थे टोटल आंटी इन टीनेजर की खाल, पर नाउ शी इज मैग्नानिमस, अरुणिता कांजीलाल। तो तुम बोरिंग नहीं हो, जब पवनू ने तुम्हें ढूंढा और पवनू की पार्क ही नजर अरुदीप ऐसे ही नहीं बना। पवनू तुम्हें अरुणिता कितनी पसंद है? मैं नहीं पूछूंगा। मैं क्यों पूछूंगा? लेकिन बेटा ये कांजीलाल को जो तुमने ढूंढा है उसकी मधुर आवाज सुनने के लिए हम लोग बहुत ज्यादा बेताब है। ऑल द बेस्ट एंटनी।
मुझे तो लग रहा है हमें अपना फाइनलिस्ट मिल गया है क्या? थैंक यू मैम। ओह माय गॉड। ये छुपे मेरे। क्या हुआ मम्मी? मम्मी जी। काने काने जीवने रुमाने खोले डाना तुई। मेरी मम्मी भी ऐसे ही रोया करती थी जब कोई मेरी तारीफ करता था। इमोशनल हो गई। हाँ। आप लोगों के सामने वो गाया, इससे बड़ा बात कोई हो ही नहीं सकती। नहीं, हमारे सामने गाया, उससे बड़ी बात ये है उसने गाया कैसा और क्या गाया कमाल का, वो बड़ी बात है, वो ज्यादा बड़ी बात है। थैंक यू। ये आशा दीदी का गाना गाया हुआ है। हाँ, काश आशा दीदी सुन रही हूँ ये, और वो बहुत खुश होंगी सुनकर। इतना प्यारा गाया, इतना मीठा गाया तुमने। पवनदीप, मान गए यार तुम्हारी पारखी नजर को यार, क्या कमाल का टैलेंट लेकर आए हो। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैंने आज तक ऑडिशन राउंड में किसी बच्चे को फर्स्ट एपिसोड में ये नहीं कहा कि वो मेरी चैनल पे आकर गाएगा, और अरुणिता कांजीलाल को मैंने ही ब्रेक दिया था। आज मेरे चैनल पे हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस हैं और हमारा चैनल 2.5 बिलियन व्यूज अक्रॉस कर चुका है। ये लड़की सायंतनी कांजीलाल मेरा गाना पहला ऑडिशन राउंड से, मैं प्रॉमिस करता हूं कि वो जल्दी से जल्दी गाएगी। थैंक यू सो मच। शी इज गोइंग, ओह माय गॉड, शी इज रॉकिंग। थैंक यू सो मच। खोल के बाहे खुद को हाले हाले दिल लगाना तो सिखा दे। सुपरस्टार सिंगर की टीम को, कैप्टन्स को हैट्स ऑफ है, क्या टैलेंट ढूंढा है यार, आउटस्टैंडिंग। अब आ जाइए और अपना सर्टिफिकेट ले जाइए। जजेस को इंप्रेस करने की होड़ सिर्फ बच्चों में नहीं है, कैप्टन्स में भी टेंशन जारी है कि कौन कितने हीरे चुनकर लाया। बेटा तुम्हें चाहेंगे तुम्हें।
सर मैंने बोला था ना, मेरा हुकुम का इक्का। दानिश ये क्या हो गया है तुम्हारे साथ? ये लोग ले जाएंगे तुम्हें, ये लड़का नहीं मिलने वाला है तुम्हें। इसको मैं कहीं नहीं जाने दूंगा, हटो। दानिश तुम्हारा खुल गया नसीब लेके। बिल्कुल सर। सर दानिश, अरे तुम बाद में आना, सर पहले आप बताओ आपको कैसा लगा मेरा बच्चा। तीनों ने इमीडिएटली मोहर मार दी, इससे ज्यादा और हम क्या कहें। बेटा आप तो, और अंतरा तो क्या गाया है आपने, मुखड़ा तो बहुत अच्छा गाया है लेकिन अंतरे में जान निकाल दी आपने। अलका जी बहुत कम लोगों को स्टैंडिंग ओवेशन देती हैं। नहीं नहीं मैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। एक छोटा सा लड़का आता है यहाँ और काजू कतली और क्या क्या बात करता है, और दीदी का इतना बेहतरीन गाना जो कि लाजवाब है, जो मतलब अगर मुझे कोई पहले बोलता कि ये वो वाला, ये वाला गाना गाने वाला, मैं बोलती जाओ मुझे सुनना भी नहीं है। इसके गाने में जो रूह थी ना, रूह जो जहाँ से इसकी आवाज दिल से निकल रही थी सीधे मेरे दिल को जा रही थी। सीधा आप यहाँ पे आ जाओ और ये लेके जाइए। ₹2021 में पवनदीप राजन ने हमें तीन चीजें सिखाई। पहला, अच्छा गाना। दूसरा, गिटार बजाना। और तीसरा, ऐसा पहली बार हुआ है 14-15 सालों में, कोई अनदेखा अनजाना आने लगा है ख्यालों में। गहरी गहरी काली आंखें मुझसे मुझको पूछती है, हाथों की रेखाओं में एक चेहरा सा बन जाता है। ऐसा पहली बार हुआ है 14-15 सालों में, कोई अनदेखा अनजाना आने लगा है ख्यालों में। मुंडा बड़ा चंगा लगता है पर है कौन? क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद फैज। मोहम्मद फैज, कहाँ से आए आप? राजस्थान जोधपुर। आप डायरेक्ट स्कूल से आ रहे हो क्या? नहीं सर, सब मुझे बोलते हैं कि मैं स्कूल यूनिफॉर्म में बहुत अच्छा लगता हूँ, इसलिए मैं स्कूल यूनिफॉर्म में आया हूँ। अरे वाह, अच्छा लड़कियों का हॉट फेवरेट है। तो बेटा कोई दोस्त है तुम्हारा? बहुत सारी सहेलियां हैं स्कूल में। सहेलियां? सहेलियां जी। वाओ। दीवाना है देखो बेकरार वो, संभालो संभालो ना प्यार हो। ये यूनिफॉर्म में उन्होंने सजेस्ट किया था क्योंकि वो बोलते हैं कि मैं काफी इसमें अच्छा लगता हूँ। तुम्हारी एज क्या है? जी मैं 14 ईयर्स का हूँ मैम। 14 के हो और अभी से सहेलियाँ सखियाँ। ये सब पवनदीप से इंस्पायर्ड हैं, है कि नहीं? पता नहीं मैम। हाँ मतलब मैं क्या पता नहीं, मुझे तो कुछ पता नहीं, मैं तो बहुत भोला भाला हूँ, मुझे कुछ नहीं ऐसा। क्या सुनाने वाले हो? खामोशियाँ। खामोशियाँ, डन। क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ, जहां से जमाने को गुजरे जमाना हुआ।
वहीं पे ठहरा हुआ बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ क्या बात है वो खामोशियां एक साज है तुम सुनने तो आओ कभी छू कर तुम्हें खिल जाएगी घर उनको बुलाओ कभी बेकरार है बात करने को कहने दो इनको जरा खामोशिया तेरी मेरी खामोशिया आवाज में कुछ अलग ही कुछ है बहुत ही कातिल आवाज है एकदम अट्रैक्टिव और खींचने वाली अपनी तरफ थैंक यू सो मच मैम ब्यूटीफुल पवन के ऑडिशन की याद आ गई जब पवन ने शायद गाया था क्या गाया था यार अब समझ में आया तुम्हारी इतनी सहेलियां क्यों हैं आई एम वेरी वेरी इंप्रेस्ड थैंक यू सो मच मैम आई लव योर वॉइस क्वालिटी मुझे लग रहा है कि ऑडिशन राउंड में मैंने आज तक किसी को ब्रेक नहीं दिया वहां पर सायंतनी कांजीलाल हमारे सुपरस्टार सिंगर की इतना ग्रेट गाने के बाद इमीडिएटली वो ब्रेक ले चुकी है और उसके साथ ड्यूएट में आप गाने वाले पहले का नाता कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई जाने तू या जाने ना माने तू पहले कनाता कोई यू ही नहीं दिल लुभाता कोई वाह देखो अभी होना नहीं कभी जुदा होना नहीं देखो अभी होना नहीं कभी जुदा मिल रहेंगे दोनों वादा
इतनी मीठी लड़की, इतनी मीठी आवाज, और ये जो नेकी है इसके अंदर, ये इसके चेहरे पर झलकती है। कहते हैं आईज आर अ मिरर ऑफ योर सोल, इसकी आंखें दिखाती हैं ये दिल की कितनी प्यारी है, कितनी अच्छी है, कितनी नेक है। गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू। बहुत ही मीठा गाया, बहुत ही प्यारा गाया। और आपकी जो बहन है इसको ताल का इतना अच्छा ज्ञान है, ये बिल्कुल बीट पे ऐसे 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 ऐसे, इसके अंदर ताल सुर सब है, और इसलिए इंजॉय करती है आपका गाना इतना इतना म्यूजिक। मुझे बहुत खुशी हो रही है देखकर कि तुम इतना मीठा गाती हो, तुम इतनी अच्छी बच्ची हो, तुम्हें बहुत बहुत आशीर्वाद है। गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एंड ऑफ कोर्स सवाल ही नहीं उठता कुछ कहने का, तुम आ गया हुई हमारे साथ। थैंक यू सो मच। ओ देखो अभी खोना नहीं, कभी जुदा होना नहीं। अपना है क्या जी मर चाहे कुछ हो, तुझको तो जीना रासा गया जाने तू। सभी कैप्टन्स तो एक दूसरे से आगे बढ़ने में लगे हैं, लेकिन हमारे आइडल के दो विनर्स के बीच में अलग ही जंग शुरू हो चुकी है। देखा आपने एक बच्चे में कितनी खूबी है। बहुत ज्यादा खूबियां हैं, पर अभी ये ऑडिशंस हैं और आगे बहुत लंबा शो चलने वाला है। देखो हमारे बच्चे को, देखो एक चीज नहीं वो 10 चीज करती है। जब आप खाने पीने में लगे थे ना सलमान भाई, तब मैं बच्चे ढूंढ रहा था वहां पे। जिसे जीतने के लिए कैप्टन पवनदीप सीधे पहुंच गए सलमान के घर मेवात। सलमान भाई, आप इतने पूरे देश घूमे, ऐसे ऐसे नाम बता रहे हैं आपके हमने सुने ही नहीं है, पर आप अपने गांव जाना भूल गए। मेरे गांव? जी बिल्कुल, और मुझे वहां बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले, लेकिन एक कमाल का बच्चा मिला है, बहुत छोटा सा। अगली भूचाल की नजर सिंगिंग पर है, तो उनके पापा की नजर इंडिया की ग्रेटेस्ट सिंगर्स में से एक पर। बेटी चाहती है कि वो सुपरस्टार सिंगर का सर्टिफिकेट जीतकर अलका जी से संगीत सीख सके, और पापा चाहते हैं कि बेटी सर्टिफिकेट जीत जाए ताकि वो अलका जी को देखकर अपनी आंखें सेक सके। सब कुछ यही बता दूं, कुछ आप अपनी आंखों से भी तो देखिए। पापा आपके साथ आए हैं? यस सर। पापा जी आप कुछ अलग ही मूड में लग रहे हो आज, क्योंकि जब से आ रहे हो आप हंसे जा रहे हो, स्माइल कर रहे हो। मैम को मैंने बहुत दिन से मैम से अच्छा, फैन हूं। ये अलका जी के जबरदस्त फैन है। नहीं, ओ, ओ, और ओ, ओ, मैं देख रहा हूं कि पापा मुझे और जादू भैया को देख ही नहीं रहे, वो कंटिन्यूसली आके अलका जी को ही देखे जा रहे थे। दिल भर तुझे मिलने को कब से था मैं बेकरार। पापा जी आपने क्या कर दिया है? अरे आपने दीवाना बना दिया है। देखा है पहली बार जन्म की आंखों में प्यार। सारे सीजन ये चलता रहेगा हिमेश का, ये आपको पता है। देखिए पापा जी, पापा जी शर्मा रहे हो आप? शर्मा नहीं रहे। I understand. बैठ जाइए वहाँ पे। It's okay, कोई बात नहीं। देखिए सर कितना आप कितने खुश हो रहे हैं। क्या गाना वाली हो? सर मैं पड़ोसन फिल्म से आवाव सावरिया गा रही हूँ। जल्दी सुना दो। ठीक है सर। क्या बात है।
भैया आम गलत के जे हम इंद में गाता अरे बाप क्या बात है क्या बात है सुन रे सजरिया क्या बात है सावरिया दिल जीत लिया आपने प्लीज 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 फर्स्ट एक जो वो जो मुर्की ली है ना आपने वो ऐसी खतरनाक थी ना वो नहीं बस की किसी की बेटा तुम्हारे लिए तीन या चार सेकंड में तीनों जजेस ने मोहर लगा दी ये पहले पहले oh. पहला ऐसा हुआ है ऐसा तो you, कि हम लोग ने गाने की शुरुआत में ही मोहर लगा दी थैंक यू यू नो तुम्हारी टाइमिंग जैसे किशोरदा मैं तुम्हें फीमेल किशोरदा इसलिए कहूंगा बिकॉज वो जो टाइमिंग है तुम्हारी तुमने स्टार्ट किया अपनी वो मिमिक वॉइस में जिससे तुमने उस गाने का टोन या सेट किया जो मूड था और उसके बाद जो सुंदर सुर लगे तुम्हारे इट इज वेरी 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 डिफिकल्ट थैंक यू सर बेटा कमाल मैं तुम्हारा जेन्युइनली बहुत बड़ा फैन हो गया हूँ बहुत बड़ा थैंक यू सर बाबा सुपरस्टार नमस्ते आज आपके साथ होगा आपकी बेटी के लिए For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.